इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया ना, और मेरी बताई हुई बातों को अगर आपने फॉलो कर लिया, तो इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। आपने कई जगह पर पढ़ा होगा, कई लोगों से सुना होगा कि इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो ये होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो वो होगा। आज मैं आपको इन चीज़ों को इस तरीके से समझाने वाला हूँ कि एटलीस्ट आज तक आप जो गलती करते आए हो ना सुबह लेट उठने की, वो आप कल से नहीं करोगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 चमत्कारों के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ में केवल तभी होंगे जब आप सुबह जल्दी उठोगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे। ग्रंथों में क्लियर लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये काम करने चाहिए। आज मैं इस वीडियो में एकदम सिंपल शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ कि अगर आप सुबह जल्दी उठने में सफल हो जाते हैं, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपकी ज़िंदगी में ये 5 चमत्कार होने वाले हैं। पहला चमत्कार, आपका मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। अब देखो, ये जो स्पिरिचुअल वर्ड है ना, अगर आप यंग हो तो आपको लगेगा कि यार ये तो बुढ़ापे में करने वाली चीज़ है, ये स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक लाइफ तो बुढ़ापे की है। नो माय डियर, जब से ये सृष्टि चल रही है बिना स्पिरिचुअलिटी के नहीं चल रही है। स्पिरिचुअलिटी इज़ एवरीथिंग। दुर्भाग्य है कि हर कोई हमें ये नहीं पढ़ाता, हमें स्कूलों में इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन दिस इज़ ए ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स कि हमें अपनी स्पिरिट को डेवलप करना होता है हर पल में। और वो कैसे होता है? जब आप सुबह उठोगे, अपने दिमाग को विकसित करोगे, अपने विचारों को विकसित करोगे, अपने मन की शक्ति को बढ़ाओगे, अपने विचारों की शक्ति को पहचानोगे। सुबह के समय ये जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, वो हाई क्वालिटी में होता है, दैट इज़ वेरी प्योर। आपका आध्यात्मिक विकास होगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपको हर चीज़ याद रहेगी, आपके मन में जो विचार है ना वो फिल्टर होंगे, जैसे आरओ फिल्टर करता है ना गंदे पानी से उसकी इम्प्योरिटीज़ को, वैसे ही आपका जो इनर साइड है, आपका मेंटल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, उसको आप फिल्टर आउट करते हैं, उससे गंदी चीज़ों को हटाते हैं। और ये बहुत बड़ी चमत्कार की बात है, वो आपको तभी मिलेगी जब आप सुबह जल्दी उठोगे और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करोगे। दूसरा चमत्कार जो आपकी लाइफ में केवल तभी होगा जब आप सुबह जल्दी उठोगे, आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है ना, वो एक अलग लेवल पर चली जाएगी। आपकी जो हेल्थ है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारी बीमारियां इंसान की सुबह जल्दी उठने से छूट जाती हैं। अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना है, अपने आप को ताकतवर बनाना है। अगर ये शरीर दिया है ना, तो शरीर को अच्छे से रखना भी तो है। सुबह योगा करो, शाम को टाइम से सो जाओगे, सुबह जल्दी उठोगे, नींद आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नींद कंप्लीट हो गई मतलब आपकी आधी हेल्थ तो वहीं ठीक हो गई। नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और नींद से सही टाइम पर उठ गए तो फिर तो भाई 90% काम हो गया। सुबह अगर जल्दी उठ गए तो 90% काम हो गया। क्यों? क्योंकि सुबह आपको अपने आप वो सब चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। शांति रहेगी, अच्छी हवा होगी, पॉजिटिव वाइब्स होगी। अगर एक्सरसाइज करोगे तो उसके बेनिफिट्स डबल ट्रिपल होंगे, शारीरिक ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। ये सब काम तभी होंगे जब आप सुबह जल्दी उठोगे। तीसरा चमत्कार जो आपकी लाइफ में तभी होगा जब आप सुबह जल्दी उठोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे। आपका जो तनाव है ना, जिंदगी में हजार लफड़े होते हैं, हर दिन इतनी टेंशन होती है ना आपको, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते होंगे आपके मन में, और उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपके मन में टेंशन क्रिएट होती है। और टेंशन क्या होती है? टेंशन वो चीज़ होती है जो एक्चुअल में कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और इस छोटी सी चीज़ को नहीं समझ पाने की वजह से ना आप हमेशा टेंशन में रहते हो। आप अपने तनाव को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, आप हाईली मोटिवेट रहोगे, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाना भाई, सुबह जल्दी उठना सीखो। वो जो मोटिवेशन है ना, वो जो यूनिवर्स है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है इस पूरे ब्रह्मांड से, इस पूरी सृष्टि से आपको मोटिवेशन मिल रहा है। उस मोटिवेशन के सामने दुनिया का हर मोटिवेशन फेल है, क्योंकि ये सृष्टि उन भगवान की बनाई गई है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आपका जो मनोबल है ना वो बढ़ेगा कि यार मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे लिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इसलिए अगर ये चमत्कार को आप चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। चमत्कार नंबर 4, आपकी इफ़िशेंसी बढ़ेगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपके अंदर डिसिप्लिन क्रिएट होगा।
डिसिप्लिन क्या होता है? जब आपको लग रहा है कि यार ये काम करने में मेरे को जोर आता है लेकिन करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये काम करना ज़रूरी है। अगर आप में इतनी स्ट्रेंथ है और आप उस काम को कर लेते हो तो उसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है ना, आप उस काम को कर लेते हो तो आपकी डेफिनेटली इफ़िशेंसी बढ़ेगी, और जब आपकी इफ़िशेंसी बढ़ेगी तो डे बाय डे आपकी विल पावर भी बढ़ जाएगी। सुबह जल्दी उठोगे ना तो आपकी इफ़िशेंसी इसलिए भी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि सुबह के टाइम में आपका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव होता है, आपके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी थॉट्स आती हैं। यार ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें ना आपको फील करने की ज़रूरत है सुबह जल्दी उठ कर के। चमत्कार नंबर 5, ये आपकी लाइफ में तभी होता है जब आप सुबह जल्दी उठते हो। आपकी जो फैमिली के रिलेशंस हैं या आपकी पर्सनल लाइफ के जो भी रिलेशनशिप हैं, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो या आप किसी रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, वो आपके बेटर बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच डेवलप होगी, आपका जो मैच्योरिटी लेवल है ना थिंकिंग का, वो आपका डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में एक लक्ष्य होगा जिसकी वजह से आप सुबह जल्दी उठते हो। आपके रिलेशनशिप बेहतर बनेंगे, आपका बेहतर कंट्रोल होगा अपने लाइफ के लक्ष्य पे, जीवन के लक्ष्य को पाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। संकल्प शक्ति जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है लाइफ के लक्ष्य को पाने के लिए, और वो तभी आएगी जब आप सुबह उठने के संकल्प को हर दिन पॉसिबल करके दिखाते हो। इसलिए रोज़ सुबह जल्दी उठें, आप कर सकते हो। इस वीडियो को हर उस हिंदुस्तानी व्यक्ति तक शेयर करो जिसको आप सफल होते हुए देखना चाहते हो, जिसके आप शुभचिंतक हो। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। नमस्कार।